पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ई कॉन्टेंट ऑफ NSQ विच मैं वोकेशनल ट्रेनर विजय कुमार गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल पीर मुहम्मद तो तुहाडा स्वागत करदा। प्यारे बच्चों, अज दे इस वीडियो लैक्चर विच असी ट्रेड प्लंबिंग क्लास 9 दा यूनिट 1 डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करदे हां बच्चों, जो अज दा अपना यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ प्लंबिंग, प्लंबिंग बारे आपां जान पछाण बारे अपने चैप्टर दा नाम है, इहदे बारे आपां डिस्कस करांगे। अज जो अपना कॉन्टेंट है, अज जो इस पूरे वीडियो लैक्चर आप जो सीखांगे या जो आप करांगे वो हैं सैशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला जो अपने अज भी जो भी पूरा सैशन है अपना इस वीडियो दे विच उनका उद्देश बारे पढ़ांगे। सैकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लंबिंग, थर्ड वन इज रोल ऑफ प्लंबिंग, प्लंबिंग की भूमिका बारे पढ़ांगे, प्लंबिंग साइकिल बारे पढ़ांगे, एंड थर्ड वन इज सॉरी फोर्थ वन सैनिटरी वर्क, एंड लास्ट इज समरी। अते लास्ट विच कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे स्टूडेंट, जो इस वीडियो दे रिलेटेड विच ही तुहानूं मिल जाणगे। तो स्टार्ट करदे हां अज दे सैशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो। अज दा जो उद्देश है इस विच स्टूडेंट जो योग हो जाएगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू प्लंबिंग सिस्टम दी डेफिनेशन बारे अच्छी तरह जाणू हो जाएगा कि प्लंबिंग सिस्टम बारे की हुंदा, प्लंबिंग सिस्टम उहदे बारे पूरी जानकारी इहदे विच तुहानूं मिल जाएगी। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्लंबिंग, प्लंबिंग दी भूमिका बारे तुसीं इहदे विच सीख पाओगे। डिफाइन प्लंबिंग साइकल, प्लंबिंग साइकल डिस्कस किया जाऊंगा इहदे विच, अते डिस्क्राइब द सैनिटरी वर्क अते बेसिक्स ऑफ सैनिटरी वर्क बारे इहदे विच आपां जाणू होवांगे। सब तो पहला असीं इंट्रोडक्शन करांगे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लंबिंग सिस्टम, प्लंबिंग दी परिभाषा बारे आपां इहदे विच डिस्कस करांगे। सिंपल गल दे विच मैं तुहानूं दस देना चाहवां, कहिंदे ओह हुनर या कला जिस विच एक स्रोत तों पानी नूं लै के उस पानी नूं ट्रीट कीता जावे, उस पानी नूं साफ कीता जावे अते योग जिहड़े उपभोगता ने अपने यानी कि जो यूजर ने उन्हां तक वह पानी एक वंड प्रणाली राही पहुँचा दिता जाए तो उसनों आपां प्लंबिंग वजों जान सकते हैं। तो प्लंबिंग सिस्टम की हैगा द एक स्किल ने एक आर्ट है जो वॉटर नूं ट्रांसपोर्ट कर दिए एक सोर्स तो यूजर तक, ठीक है। दैन ट्रीटेड वॉट ट्रीटेड जो ट्रीटमेंट प्लांट हुंदा उत्थों पानी नूं पहलां ट्रीट किया जाता है, दैन फाइनली सप्लाइंग द ट्रीटेड वॉटर टू यूजर। तो जिहड़ा साफ पानी हुंदा है वह किसी यूजर तक पहुँचाया जाता है साफ करके, तो इसनों आपां प्लंबिंग कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पाइप फिटिंग्स एंड कैरी वॉटर दैट कैरी वॉटर्स, कहिंदा पाइपां दे फिटिंग्स प्रणाली का समूह है जो पानी लियांदियां ते लिजांदियां, ठीक है। प्लंबिंग सिस्टम की है, प्लंबिंग दे शब्द तों ही पता है, प्लंबर शब्द पाइप्स दे नाल वी कनैक्ट हुंदा है, पाइप अते फिटिंग्स दे समूह जिस विच पानी नूं लियाउणा ते लिजाण दा काम हुंदा, इहनूं वी प्लंबिंग सिस्टम दे नाल जोड़िया गया। तां इंट्रोडक्शन तों तुसीं क्लीयर हो गया होगा कि प्लंबिंग सिस्टम तों की भाव है। प्लंबिंग सिस्टम ओह हुनर या प्लंबिंग तों की भाव है, ओह हुनर या कला जिस विच एक स्रोत तों पानी नूं लै के उस नूं यूजर तक पहुँचाया जाता है पानी नूं ट्रीट करके, ठीक है। तो नैक्सट आप पढ़ते, प्लंबिंग अते सैनिटरी सिस्टम हर घर का जरूरी हिस्सा है। ऑब्वियस जी गल कि इस वक्त प्लंबिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी हिस्सा बन चुका हर एक बिल्डिंग का। प्लंबिंग बिना पानी नूं ड्रेन आउट करना या पानी नूं बिल्डिंग के अंदर लेके आना बड़ा जरूरी हिस्सा है। प्लंबर द्वारा इस प्लंबिंग की फिटिंग की जाती है, बहुत जरूरी हिस्सा हो चुका है इस वक्त। प्लंबिंग प्रणाली की सही योजनाबंदी अते डिज़ाइन करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। रहने वाले मतलब इस तो बाद कि घर एक घर में सफाई
ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8% ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦੈਟ 8% ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਰਕ ਫੋਰ ਦੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਰਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ 8% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦਾ 8% ਹਿੱਸਾ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 8% ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 8% ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਲੰਬਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲੇਟਸ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਲਾਈਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ 8% ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ 8% ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੰਬਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਸ ਪਲੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਇਨ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਚੱਕਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਗੰਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਸਰੋਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਲੰਬਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਰਕ ਕੀਪਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਬੈਡ ਸਮੈਲਸ ਐਂਡ ਇਨਸ਼ੋਰ ਬੈਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਰਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਊਲ ਗੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਵੀ ਸਵੱਸਥ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਪਲੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲਟ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੈਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਰੈਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਟਰ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੰਬਿੰਗ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਾਈਕਲ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਜੈਵ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ
एक स्रोत तो लिया जाता है, तो फिर जो यूजर ने नू सप्लाई किया जाता है, अंत में जो पानी गंदा इकट्ठा होता है उसनों दोबारा ट्रीट करके उस स्रोत वापस पा दिता जाता है या किसी होर स्रोत वापस पा दिता जाता है जितों आप पानी जिमें लिया सी, लेकिन उन्होंने साफ करने तो बाद ड्रेन आउट किया जाता है। तो यह चक्कर जो स्टार्ट हों, तो ये निशान लगा हुआ मैं करसर का तुम दिखाने की कोशिश करदा, स्टूडेंट ये सोर्स सोर्स कहना मतलब इतों अपना प्लंबिंग सिस्टम जो भी है ट्रीटमेंट तो तुम ले लो, इतों आप स्टार्ट कर सकते आपका आप प्लंबिंग चक्कर कितों भी तुम सोर्स तो आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी पानी इतों आप लिया लेक तो पानी लिया, ठीक है तो लेक तो पानी लिया सब तो पहला वैसे तो जो पानी होंगे अपना ट्रीटमेंट ट्रीटेड वाटर, ठीक है इस तो बाद वाटर जोड़ा अपना ट्रीट होगा सोर्स तो लिया वो पानी सप्लाई होया अपने वाटर मेन्स या अपने जो टैंक्स के अंदर स्टोर हो गया जाके वो पानी, इस तो बाद वो पानी की है डिस्ट्रीब्यूट होया पानी नू डिस्ट्रीब्यूट पाइपा राही भेज दिता गया, ठीक है डिस्ट्रीब्यूट पाइपा राही पहला आपू स्टोर किया उस तो बाद डिस्ट्रीब्यूट पाइपा इतने प्रैशर पाइप्स की गल की जा रही, प्रैशर पाइप्स की इस करके गल की क्योंकि इस विच जो भी अपना वाटर फ्लो हो रहा है वो एक अंडर प्रैशर फ्लो होएगा क्योंकि पानी अपना क्लीन है, इस करके उन्हों आप स्मॉल डायज की पाइप आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो उन्हें विच पानी पूरे डाय दे विच फ्लो होंदा है, इस करके मतलब डाय का डायमीटर का कहना मतलब व्यास दे विच फ्लो होंदा है जिस करके उन्हें अंदर प्रैशर ज़्यादा होंदा है, तो मतलब हाई प्रैशर गेन करने वाली पाइप्स इतने यूज़ की जाती हैं, ठीक है उस तो बाद प्लंबिंग फिक्सचर की मदद के नाल उस पानी नू डाइवर्ट करके जो भी है उत्थे प्लंबिंग फिक्सचर की मदद के नाल उत्थे पानी नू अंत यूज होने तो बाद प्लंबिंग फिक्सचर के राही मतलब घर तो पानी उन्हें यूज होने तो बाद जो पानी बाद कलैक्ट किया जाता है ग्रैविटी पाइप नैटवर्क, इतने देखो पाइप नैटवर्क इतने सी अपनी प्रैशर पाइप नैटवर्क इतने ग्रैविटी पाइप नैटवर्क, प्रैशर पाइप नैटवर्क किसी प्रैशर के राही पानी फ्लो हो रहा इतने ग्रैविटी ग्रैविटी कहने का मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल के राही या पानी जोड़ा ऑटोमैटिक फ्लो हो रहा, ठीक है जिमें कि सीवर के अंदर एक ग्रैविटी फ्लो होंगे ऑटोमैटिक पानी फ्लो करता उन्होंने पाइपों के अंदर, तो उन्होंने आप ग्रैविटी पाइप नैटवर्क के राही पानी इस तुम बाद वॉटर डिस्पोज ऑफ होंगे सनेटरी वर्क एंड स्ट्रोम सीवर, ठीक है इन सीवर के अंदर मतलब पानी आ जाता, ठीक है इस तो बाद सीवेज प्लांट एंड नैचुरल प्योरीफिकेशन, इस तो बाद पानी फिर तो ट्रीट किया जाता तो वह वापिस सोर्स से चला जाता, सिंपल जी गल है पहला सोर्स तो पानी लिया, सोर्स कि अपना कोई भी रिवर हो गया कोई लेक हो गया रेजरवायर हो गया अपना कोई भी मतलब नदी होगी अपनी कोई भी अपना झील होगी उतों पानी लिया, उस तो बाद उस पानी कहना मतलब सब तो उस तो उस पानी आप ट्री सप्लाई किया वाटर मेन स्टोरेज टैंक के अंदर, इस तो बाद प्रैशर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स के राही, ठीक है उस तो बाद यूज़ किया, ठीक है यूज में कलैक्शन हुई पानी की डिस्पोज ऑफ किया उसनों, ठीक है डिस्पोजल एंड ट्रीट किया वापिस फिर वो सोर्स के अंदर चला गया, ठीक है ये साइकिल लगातार कॉन्टीन्यू चलता रहता है। तो नैक्सट आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन योर ऑन कॉपीज, सनेटरी वर्क सनेटरी का काम, सनेटरी वर्क के स्टूडेंट सनेटरी वर्क का काम मतलब गंदे पानी नू प्लंबिंग फिक्सचर द्वारा सीवेज सिस्टम तक पहुँचाना, जिमें कि एक तुसी शिंक देख रहे हो इन्हें तुसी अपने हैंड वॉश करते हो लगातार, जिमें कि COVID-19 का पीरियड आया से उत्थे बहुत सारे लोग लगातार अपने हैंड वॉश करते सन, ठीक है हुण भी जो पीरियड चल रहा है जिंदे करके आप ई कॉन्टेंट इस वक्त रेडी कर रहे हैं, इस करके ये जो तुसी देख रहे हो जो भी तुहानू इत्थे दिखाई दे रहा सिंक सिंक के देखो अलग अलग पाइपलाइनस एक ट्रैप यूज की गई इतने दिखाने की कोशिश करता मैं तुम्हें एक ट्रैप्स ये ड्रेन पाइप है, ठीक है इतों पानी फ्लो होया इतों ड्रेन पाइप आ ट्रैप्स होंगे जो फाउल स्मैल नू वापिस नहीं आन दिंदी, इन पानी लगातार बरकरार बने रहिंदा, ठीक है ये पिछे पाइप से ये वाटर सप्लाई लाइन है जो पानी टैप्स नू दे रही ने, यह वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है
ये एल्बो लग गया, ठीक है स्टूडेंट। ये नेक्स्ट आप सारिया चीज़ा ये फिटिंग के अंदर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सनेटरी का तुम्हें सिर्फ जस्ट इतने यही समझना कि सनेटरी का काम गंदे पानी प्लंबिंग फिक्सचर द्वारा सीवरेज सिस्टम तक पहुँचाना, प्लंबिंग की स्थापना संबंधित नगर निगम या वक् वक् राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की कमेटियों द्वारा नियमित किया जाता है, ठीक है। नियमित द्वारा निरंतर की जाती है, ठीक है। इस तरह प्लंबिंग सैनिटेशन का काम इमारत की उसारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो कि पानी की सप्लाई और ड्रेनेज लिए वरते जाते हैं, जिमें कि तुम वॉशबिन की जी फोटो देख रहे हो, है ना, ये तुम्हें क्लीयरली देख पा रहे हो। इस तरह प्रणाली में वक् वक् पाइपों की वरतों तो उनके गांह आप उद्देश भी आप पढ़ा तो सैनिटेशन तुम्हें क्लीयर हो गया होगा। तुम इंग्लिश भी मैं डेफिनेशन तुम्हें दसना, इट रैफर्स टू कैरी द वेस्ट वॉटर टू वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सीवरेज सिस्टम थ्रू प्लंबिंग फिक्सचर। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट नेक्स्ट वीक। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द प्लंबर मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन टू द कंसीडरेशन। काम शुरू करने तो पहला प्लंबर हेठलियां गल्लां ध्यान में रखना चाहिए। सब तो पहला जल सप्लाई प्रणाली साफ और पीने योग पानी के स्रोतों बारे उन्हें पता होना चाहिए। प्लंबिंग फिक्सचर और पाइपां वक्रिया वक्रिया जरूरतों और विशेषता बारे ज्ञान होना चाहिए स्टूडेंट। इस तो बाद सैनिटरी और ड्रेनेज सिस्टम सीवरेज प्रणाली बारे ज्ञान होना चाहिए चंगी तरह। इस तो बाद बरसाती पानी की निकासी की प्रणाली बारे, प्लंबिंग ड्राइंग और उन्हां दी वरतों, प्लंबिंग ड्राइंग की भूमिका एक्सैक्ट्रा, हर एक चीज़ बारे उन्हें पता होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने स्टूडेंट। ए एक बिफोर स्टार्टिंग द वर्क प्लंबर मस्ट कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन टू द कंसीडरेशन, बहुत इंपोर्टेंट गल है, ठीक है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देना, कहना वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, जल सप्लाई प्रणाली, ठीक है, सोर्स ऑफ क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर साफ और पीन योग पानी के स्रोत, प्लंबिंग फिक्सचर एंड पाइप्स, ठीक है, वक्रिया जिड़िया तुम्हें मैं दोबारा इंग्लिश में दस दिना, नॉलेज अबाउट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशनस, सनेटरी एंड ड्रेनेज सिस्टम बारे उन्हें पता होना चाहिए, रेन वाटर ड्रेनेज एंड प्लंबिंग ड्राइंग मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आप इन द सिस्टम डिफरेंट पाइप्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, द प्लंबिंग सिस्टम इनकलूड्स, अलग अलग तरह दी जो पाइप्स यूज की जाए, ठीक है, जिड़िया कि प्लंबिंग प्रणाली के, ठीक है। जिमें इन दिस सिस्टम डिफरेंट पाइप्स आर यूज डिफरेंट परपज, अलग अलग कामों लिए अलग अलग पाइप्स यूज की जाए। ओके, जिमें कि मान लो वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई पानी की सप्लाई लिए गलवैनीज आयरन पाइपों के फिक्सचर, और जिमें कि प्लास्टिक पाइप्स भी आप यूज करते हैं, ठीक है। इतने मिट्टी दिया पाइपों के फिक्सचर, मिट्टी की पाइप तो भावें सॉयल पाइप्स जिंदे राही अपना मतलब जो अपना टॉयलेट्स वगैरह जिंदे च फ्लो होंदी है, ठीक है, उनके लिए अलग पाइप्स जिहड़ियां यूजेस ने। सनेटरी ड्रेनेज सिस्टम लिए अलग, ठीक है, बरसाती पानी की निकासी लिए अलग, रेन रेन ड्रेनेज सिस्टम जिन्हों आप कह दें, ठीक है, सनेटरी ड्रेनेज सिस्टम आ गया, ठीक है। ये चार चीज़ा जिमें अलग अलग पाइप्स यूज की जाने अलग अलग काम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। नैक्सट जो लास्ट से अपनी एंड से अपनी जो समरी बनती है इस वक्त, द प्लंबिंग एंड सनेटरी सिस्टम इज असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी हाउस ऑफ बिल्डिंग। प्लंबिंग और सनेटरी सिस्टम हर घर या इमारत का जरूरी हिस्सा है। ये आप पूरी वीडियोज के अंदर आप पूरा समझा कि प्लंबिंग बिना कोई चीज़ पॉसीबल भी नहीं है, ठीक है, कि आप जो कोई आप घर बनाया तो उत्थे जे आप प्लंबिंग का वर्क नहीं किया तो पॉसीबल नहीं है कि आप उसनू आप पानी घर चो आसानी नाल बाहर कढ़ पावांगे, ठीक है। ये दस्या गया कि एक इमारत की उसारी की लागत तकरीबन 8% प्लंबिंग और सनेटरी के काम लिए निशानबंद। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट 8% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब निर्माण किसी बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा उनका 8% हिस्सा आप मान के चलते हैं कि वो अपना प्लंबिंग के उत्ते
खर्च होवेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अपनी लास्ट समरी निकली है, ये चैप्टर इस दिन अपना पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन हूँ आप लास्ट देते कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने स्टूडेंट, वो आप डिस्कशन चंगी तरह करने हैं क्वेश्चन वाले। ये क्वेश्चन करने तो पहला मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पहला मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करवा देना, सिंपल क्वेश्चन ने तुम उन्होंने मैंने अच्छी तरह जवाब दोगे, मैंने पूरी उम्मीद तुम उन्होंने स्क्रीन मतलब रोक के तुसी उस क्वेश्चन नू सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो पहला क्वेश्चन अपना देखो, ध्यान ना पढ़ो, पानी नू स्रोत तो ट्रीटमेंट प्लांट अते फिर अंतले उपभोक्ता तक पहुँचाने लई कुशलता अते कला नू क्या जाता है? राजनीति, बी उसारी, सी प्लंबिंग, डी एक युक्ता। मैनू इंग्लिश भी ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल देना स्टूडेंट, द स्किल एंड आर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन टू एंड यूजर इज नोन एज। आप पिछले पढ़ ही चुके हैं तो आप पूरी अपना वीडियो लैक्चर ही प्लंबिंग से डिपेंड है, तो ऑब्वियसली गल है कि क्वेश्चन का आंसर अपना प्लंबिंग है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कहना वो आर्ट या कला जिंद की है, मतलब ट्रीटमेंट प्लांट तो पानी साफ करके अंतले उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है, उन्होंने आप कहें प्लंबिंग किया जाता है। ठीक है, कुल बिल्डिंग के निर्माण तो आम तौर पर प्लंबिंग और सैनिटरी के काम लिए निश्चित की कीमत प्रतिशत है? कितने परसेंट आप कोस्ट पिछे पढ़ चुके हैं, 12%, 10%, 5% या 8%? इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करता, उन्ना चर क्वेश्चन का जवाब अपने दिमाग च रखो। फ्रॉम द टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द एप्रोप्रिएट कोस्ट परसेंटेज यूजेस मार्क फॉर द प्लंबिंग सैनिटरी वर्क इज 12%, 10%, 5% और 8%। तो ऑब्वियस जी क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट पॉइंट से भी पढ़िया 8% आप जी कोस्ट है वो निशानबंद करके चलते हैं, तो यह क्वेश्चन अपना सिंपल हो गया। नैक्सट दो क्वेश्चन ने अपने, प्लंबिंग ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਸ ਕਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਸ ਪਲੇ ਏ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, हेठ विचों केड़ा प्लंबिंग चक्कर सही क्रम है? तो सब तो पहला सप्लाई नहीं की जाती, ठीक है, सप्लाई की जाती है सब तो पहला, क्या वंड की जाती, निपटारा किया जाता, इलाज किया जाता? नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता या नहीं तुम मैंने दसना, तुम स्क्रीन रोक के, ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर दसना, सोचना की हो सकता कि पहला फिर बी होगा निपटारा, वंड सप्लाई इलाज, सी सप्लाई इलाज निपटारा वंड, या डी इलाज सप्लाई निपटारा वंड। तो स्टूडेंट सब तो पहला तुसी सिंपल जी गल, कोई भी चीज़ है सब तो पहला आप पहला की करेंगे इन आंसर की हो सकता, तुसी सोच के देखो कि इन आंसर होगा। मैं उन्हें चर तुम्हें यह क्वेश्चन इंग्लिश थोड़ा जहा बोलता तुम्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द प्लंबिंग साइकिल? सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल और ट्रीटमेंट। डिस्पोजल, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, ट्रीटमेंट। सी इज सप्लाई, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, डिस्ट्रीब्यूशन, और डी ट्रीटमेंट, सप्लाई, डिस्पोजल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर इनका बेटे सिंपल जहा गल है, इनका आंसर ए क्वेश्चन, इनका आंसर सप्लाई, वंड, निपटारा और इलाज। पहला पानी सप्लाई किया जाऊगा, फिर उन दी मतलब स्टोरेज टैंकर तक पहुँच गया, उस तो बाद उनकी वंड हुई, फिर उनका निपटारा मतलब यूज होया, उस तो बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया, तो वापिस फिर उत्थे आ जाऊगा सप्लाई वाले पास, तो यह चक्कर लगातार चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट अपने, इस तो बाद आप तीन क्वेश्चन तुम अपने कंसर्न टीचर नाल डिस्कस करने हैं, प्लंबिंग की परिभाषा, ठीक है, इस हर किस्म की इमारत लिए प्लंबिंग प्रणाली क्यों जरूरी है, और थर्ड प्लंबिंग प्रणाली के मुख भाग की हैं, ये क्वेश्चन तुम डिस्कस करने हैं। हुण मैं फिलिंग द ब्लैंक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
मैं ये क्वेश्चन तुहानू इंग्लिश भी बोल देना। एवरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड हैव रेगुलर एंड एडिक्यूट डैश सप्लाई, तो इनका आंसर है स्टूडेंट पानी, ठीक है वॉटर। तो नैक्सट जो ब्लैंक्स अपनी स्वच्छ काम का मतलब है गंदे पानी डैश द्वारा रेंद खून की निकासी करना। सैनिटरी वर्क रेफर्स टू कैरी द वेस्ट वॉटर टू द वॉटर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम थ्रू डैश, तो स्टूडेंट इनका आंसर हैगा प्लंबिंग फिक्सचर। तुसी वीडियो नूं रोक के उनका क्वेश्चन का आंसर मतलब सोच सकते हो। थर्ड वन इज पानी की सप्लाई डैश अते फिटिंग द्वारा की जाती है, किन्हीं द्वारा की जाती है, मैं इंग्लिश चुनने के क्वेश्चन बोलते हैं वॉटर इज सप्लाइड थ्रू डैश एंड फिटिंग्स पाइपा, ठीक है इनका आंसर है पाइपा। एंड फोर्थ इज पाइपा अते सैनिटरी फिक्सचर दी डैश 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 अते डैश लई प्लंबर जिम्मेवार है, कादे वास्ते, इंस्टॉलेशन वास्ते, मुरम्मत वास्ते, रख रखाव अते सेवा वास्ते प्लंबर जिम्मेवार है। इंग्लिश मैं इनू थोड़ा जहा रिपीट कर दें, प्लंबर इज रिस्पोंसिबल फॉर डैश 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 डैश, ठीक है स्टूडेंट। ए इस बार तुम्हें आंसर दिता, इन आंसर मे बी स्लाइड के स्टूडेंट थोड़े सारे आंसर है क्वेश्चन के, फिर भी तुम इतों क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।